अस्सलामुअलैकुम यूनिटी न्यूज स्टूडियोज में मैं हूं आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से मुतालिक जेर गर्दिश खबरों पर वजीर खजाना ने वाज़ेह किया कि कीमतें बढ़ाने के हवाले से कोई समझी या कोई प्लान नहीं है। और कानून के हुक्मरान अजलिया की जिम्मेदारी है इमरान खान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि हमने साजिश के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया, मरासला पार्लियामेंट में रखा, चीफ जस्टिस को भी भेजा। इस वक्त कानून की हुक्मरान अजलिया की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की मिसाक मईशत के लिए तमाम जमातों को दावत। वज़ीर आज़म ने तमाम जमातों को मिसाक मईशत बनाने के लिए दावत दे दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मिसाक मईशत वक्त की ज़रूरत है, आएँ और इस पर दस्तखत करें और क़यामत तक के लिए इसे लागू कर दें। इस्लामाबाद में प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में दी जाने वाली तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं, इसकी रोशनी में आइंदा का लाहे अमल बनाएंगे। जून की गर्मी में सियाहत के लिए खैबर पख्तूनख्वा का रुख करने वालों के लिए मुफीद मालूमात। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बायस सियाहत के शौकीन अफराद खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं, मगर नाकाफी मालूमात, रास्तों से नावाकफियत और एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करने के बायस मुख्तलिफ मैयत की परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। शहबाज हुकूमत का यू टर्न, हफ्ते की छुट्टी बहाल, जुमे के रोज़ वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अवाम मुश्किल सूरत हाल में है, तो हमने भी इकदाम का आगाज कर दिया। हफ्ते की छुट्टी को पहले ख़त्म किया गया था, मगर काबीना ने हफ्ते की छुट्टी को बहाल कर दिया है।